आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपके पास फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच है या आपने एक नया वॉच लिया हुआ है और इसमें आप अपना टाइम चेंज करना चाहते हैं जो आपको 24 हावर का फॉर्मेट दिखाई देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 10:53 हुए हैं, लेकिन आपके मोबाइल में दिखाई दे यानी कि आपके वॉच पर दिखाई दे रहा होगा 22:53 या 54। तो आखिरकार इसमें आप 12 हावर का फॉर्मेट कैसे लगाएंगे, 24 हावर फॉर्मेट को आप बंद कैसे करेंगे, वही आपको यहां पर जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपने वॉच की आपको सेटिंग में जाना होगा। अगर आपको सेटिंग के अंदर आपको ये विकल्प मिल जाता है तो आप यहीं से कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको क्या सेटिंग कहीं पर दिया गया है आपको टाइम सेट करने का। अगर आपको दिया गया है तो आप यहीं पर अपना सेटिंग कर लीजिए। जैसे हम डिस्प्ले पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी दिया नहीं गया है कि आपको अपना टाइम किस तरीके से सेट करना है, 12 ओवर का या 24 ओवर का। तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है द फिट, यानी कि आप DAFIT इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैसे आप इसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे, यह एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाता है और उसके बाद वॉचेस पर क्लिक करना और यहाँ पर ऐड ए डिवाइस पर क्लिक करना होगा, अपने वॉच को कनेक्ट करना होगा। वॉच को कनेक्ट करने से पहले एक बार चेक करिए कि आपके वॉच में ब्लूटूथ ऑन है या नहीं। अगर आपका ऑन नहीं है तो आप इसे ऑन कर लीजिए और अपने मोबाइल में भी आप एक बार चेक करिए कि आपके मोबाइल में आपका ब्लूटूथ ऑन है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ जो है वो हमारा ओपन है और जैसे आप अपने वॉच का ब्लूटूथ ओपन करेंगे आपके सामने एक पेज निकल कर आ जाएगा पेयर एंड कनेक्ट का। अब आप इस पर क्लिक करना और यहाँ से आप इसे पेयर कर देना। पेयर करने के बाद फिर आपको ऐड ए डिवाइस पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके वॉच का यहाँ पर आपको नेम दिखाई दे जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा वॉच है और इसका जो नेम है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अपने वॉच पर आप क्लिक करिए और उसके बाद डन करिए, उसके बाद कंटिन्यू और आपका यहाँ पर वॉच दिखाई देगा कि आपके वॉच में कितना यहाँ पर बैटरी है। तो हमारे वॉच में 24% बैटरी है और यहाँ पर इसको आपको टाइम को चेंज करना है। जैसे आप यहाँ पर वॉच में देखेंगे कि आपका 24 हावर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। लगभग हमारे मोबाइल पर 10:56 हुए हैं तो वहीं हमारे वॉच पर 22:56 हुए हैं। तो इसे चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अदर का, अब आप अदर पर क्लिक करिए। यहाँ पर मिलेगा टाइम फॉर्मेट का, अब आप टाइम फॉर्मेट पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको 12 ओवर सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप 12 ओवर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डन कर दीजिए। डन करने के बाद अब आप अपने वॉच पर देखेंगे तो आपका टाइम जो होगा वो आपका 12 ओवर के फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। जैसे 10:56 तो यहाँ पर हुआ है 10:56। वो तरीका है फायरबोल्ट वॉच के अंदर अपने टाइम फॉर्मेट को चेंज करने का। तो मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगर आपको कोई परेशानी आती है या आपके पास किसी अदर कंपनी का वॉच है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। तो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।